हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिटर जॉब प्रोफाइल इन कैग वर्सेस सीजीडीए। जो दोनों डिपार्टमेंट हैं उनमें से किस में जॉब प्रोफाइल ज़्यादा बेटर होती है, ट्रांसफ़र एस्पेक्ट किस में ज़्यादा होते हैं, प्रमोशन किस में बेटर होते हैं, बाकी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए भी नॉलेजेबल होने वाली है जिन्होंने अभी SSC 10+2 का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है SSC 10+2 में भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वापस से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और भी हम यहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो लेट्स कम टू द टॉपिक एंड बात करते हैं CAG वर्सेस CGDA। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल बात करेंगे 12 टॉपिक के ऊपर, मतलब 12 टॉपिक के बेसिस पे हम कंपेरिजन करेंगे दोनों डिपार्टमेंट्स का। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर लेते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो डिपार्टमेंट है ये किसी भी प्राइवेट बॉडी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। इसका जो फील्ड है काफ़ी वाइड है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं CGDA की, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ये फ्रेंड्स इंटरनल ऑडिट करता है डिफेंस सिस्टम की, यानी कि आर्मी और एयरफोर्स की इंटरनल ऑडिट करता है, साथ में उनका अकाउंट्स और पेमेंट्स भी देखता है। तो फ्रेंड्स, चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो फ्रेंड्स, CAG में जो जॉब प्रोफाइल है आपकी टोटली ऑडिटर की रहेगी। मतलब मैं आपको सबसे पहले ऑडिटर और अकाउंटेंट में डिफरेंस समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, जब कोई बाहर से कोई आदमी आता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और उसमें से वो लूप होल्स निकालता है, कुछ कमियां निकालता है, या फिर अगर वहाँ पे कोई घोटाला टाइप का कुछ हो रहा है तो वो निकालता है, तो उसे बोलते हैं ऑडिटिंग। और अकाउंटिंग या फिर जो अकाउंटेंट्स का काम होता है वो होता है फ्रेंड्स, जो भी कोई लेन देन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, उसके लेन देन का हिसाब किताब करना और उनके पेमेंट्स करना, ये काम होता है अकाउंट्स का। तो फ्रेंड्स, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो CAG का जो काम होता है मेनली ऑडिटिंग का होता है, यानी कि ये कंपनियों की और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी ऑडिटिंग करता है। और अगर हम बात करें तो CGDA की, तो फ्रेंड्स ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों करता है, मतलब डिफेंस सिस्टम की ऑडिटिंग करता है, इंटरनल ऑडिट यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि वहाँ पे कोई लूप होल्स तो नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स अकाउंटिंग का काम भी करता है, यानी कि ये आर्मी को सैलरी पे करता है, आर्मी के मेडिकल्स बिल, GPF बिल्स, पेंशन, मतलब सारे काम जो हैं आर्मी के अकाउंटिंग के, वो भी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट यानी कि CGDA करता है। तो फ्रेंड्स, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में पावर ज़्यादा है। ये समझने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि जो CAG होता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम नहीं करता है। इसको जो पावर मिलती है वो सीधी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 में जिक्र है CAG का और CAG की पावर का, यानी कि जब ये किसी भी बॉडी का, किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता है तो कोई भी डिपार्टमेंट इसको सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब ऑब्जेक्शन लेने के लिए या फिर घोटाले उजागर करने के लिए, और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है पार्लियामेंट में। इसकी पावर को सप्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं उनको, मतलब उनमें चेंज करने होंगे, तो इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ CGDA की पावर समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि जो CGDA डिपार्टमेंट है ये ऑडिट और अकाउंटिंग करता है आर्मी, एयरफोर्स, MES, BRO यानी कि जो पूरा डिफेंस सिस्टम है इसकी ऑडिट और इसका पेमेंट करता है, इसकी अकाउंटिंग करता है। और ये जो सारे हैं ये MH और डिफेंस के बच्चे हैं। तो आप मान लीजिए एक भाई ने दूसरे भाई को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया, दोनों जाते हैं फादर के पास में, तो क्या फादर पूरे गाँव में जाके बताएगा?
नहीं, वो उस बात को वहीं दबा देगा, बोलेगा कि चुप करो तुम और इस मामले को यहीं पे रफा दफा करो। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब CJDA ऑडिट करता है इन सारे डिपार्टमेंट्स की, और जब कोई बड़ा लूप होल नज़र में आता है या फिर बड़ी कोई ऐसा घोटाला या फिर इन सारा जो डिफेंस सिस्टम है इसमें कोई बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, तो वापस से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से प्रेशर आता है कि आप इन ऑब्जेक्शन को सेटल करो लाइजनिंग करके या फिर कैसे भी करके। आप कह सकते हैं कि CJDA की पावर इस मामले में कम होती है, क्योंकि जो सारा सिस्टम है जिसकी ऑडिट करता है वो रिपोर्ट करते हैं सारे एक ही मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं फील्ड वर्क के बारे में। तो फ्रेंड्स जो कैग की ऑफिस होती हैं ज़्यादातर कैपिटल्स में होती हैं, किसी भी स्टेट के कैपिटल में, और इनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लग रहा हो कैग को, या फिर जो भी इनकी जो इनका डिपार्टमेंट है उसके हेड को कि यहाँ पे जाके ऑडिट करनी है, तो उनको जो एक ऑडिट कमेटी होती है जिसमें AAO और ऑडिटर होते हैं उनको वहाँ पे जाना होता है, कुछ दिन रुकेंगे वहाँ की ऑडिट कंप्लीट करेंगे उसके बाद में वापस आएंगे। मतलब यहाँ पे फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। बट CJDA में क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ की ऑडिट करनी है वहाँ पे डिपार्टमेंट ने पहले से ही छोटे छोटे ऑफिस बना रखे हैं उनके पास में ही, और उन्हीं को उनका काम दे रखा है, तो इनका जो फील्ड वर्क होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब सुबह जाएंगे, यूनिट वाले आएंगे और सुबह यूनिट में जाएंगे, उसके बाद वापस से ऑफिस में। तो देखा जाए तो फील्ड वर्क जो होता है मतलब CAG में काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे रेगुलर प्रमोशन। तो जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे कैग या फिर CJDA दोनों पे आप ज्वाइन करेंगे ग्रेड पे 2800 पे, आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा कैग में 3 साल के बाद सीनियर ऑडिटर का ग्रेड पे 4200 पे। फ्रेंड्स कुछ समय पहले तक यानी कि 2 साल पहले तक CJDA में भी ऑडिटर 3 साल में सीनियर ऑडिटर ग्रेड पे 4200 पे बन रहे थे, बट कुछ पता नहीं कुछ मामला आया है तो अभी जो ड्यूरेशन है ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर CJDA में 6 साल कर दिया है, बट कैग में अभी भी वो 3 साल का है। तो रेगुलर प्रमोशन एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो कैग में आप 3 साल में सीनियर ऑडिटर बन जाओगे, बट CJDA में आपको सीनियर ऑडिटर बनने के लिए 6 साल लगेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन का दूसरा तरीका यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम। दोनों ही डिपार्टमेंट में SAS एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, और CAG में जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं आफ्टर प्रोबेशन। मतलब जब आपके 2 साल होते हैं उसके बाद आपका कन्फर्मेशन आता है, वो आने में 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे 2.5 से 3 साल के बाद। बट CJDA में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है, क्योंकि CJDA में आप एलिजिबल हो जाते हो जब आपके रेगुलर सर्विस के कंप्लीट हो जाते हैं 2 साल, यानी कि आपका कन्फर्मेशन आए चाहे ना आए, जैसे ही डिपार्टमेंट में आपके 2 साल कंप्लीट होंगे आप SAS एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट में जो SAS एग्ज़ाम है अभी ऑब्जेक्टिव होता है, CJDA में पहले सब्जेक्टिव होता था, बट अभी न्यू सिलेबस लॉन्च किया है और अभी जो एग्ज़ाम होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो फ्रेंड्स SAS का एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो दोनों डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सेम है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। जो कैग की ऑफिस है, कैग डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है फ्रेंड्स, ज़्यादातर रहती हैं किसी भी स्टेट के कैपिटल में, और वहाँ से वो ऑडिट करती हैं सारी कंपनीज का या फिर जिसका भी उन्हें ऑडिट करना है वहाँ से वो फंक्शन करती हैं। बट जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है यानी कि CJDA, उसकी जो ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया सिचुएटेड है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में से कहीं भी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो CAG है फ्रेंड्स वो हेडक्वार्टर है, उसके अंडर में अलग अलग स्टेट में AG ऑफिस काम करते हैं, यानी कि हर स्टेट में एक AG ऑफिस होता है जो कि उस स्टेट में आने वाली कंपनियों का ऑडिट करता है। तो अगर आपको वो AG ऑफिस किसी भी स्टेट की मिल जाती है तो उसके बाद में वहाँ से ट्रांसफ़र करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ट्रांसफ़र चांसेस बहुत कम है, स्पाउस ग्राउंड पे भी नहीं मिल पाते हैं जल्दी सी, और मेडिकल ग्राउंड पे भी। मतलब आप मान के चलिए कि ट्रांसफ़र के जो चांसेस हैं CAG में, अगर आपको स्टार्टिंग में घर से काफ़ी दूर मिल गया तो आप इस चीज़ के लिए तैयार होके ज्वाइन करिएगा कि आपको पूरी नौकरी मतलब वहीं पे निकालनी है। मैं ये नहीं कहता कि ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बट चांसेज बहुत कम होते हैं, इसलिए पहले से आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें। ट्रांसफ़र की बात करें फ्रेंड CJDA में, तो CJDA में यहाँ पे काफ़ी मतलब बेटर सिचुएशन है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है,
आपके पास कोई मेडिकल सिचुएशन है या फिर आपका कोई ऐसा ग्राउंड है अच्छा सा जो आप रिप्रेजेंट कर सकें डिपार्टमेंट के सामने, तो आप जाते ही चाहे मतलब 5 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है नॉर्मल कंडीशन भी में आप कहीं भी पोस्टेड हो, 3 साल के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने होम टाउन के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 3 साल के बाद तुरंत मिल जाएगा, बट आप अप्लाई करेंगे 1-2 साल में आपकी सीनियरिटी थोड़ी सी अप जाएगी और आपको होम टाउन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अदर फैसिलिटी जो कि ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो सीएजी में आपको अदर कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, वही फैसिलिटी आपको मिलेंगी जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, मतलब सारे डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज है उनके अलावा कोई स्पेशल फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी सीएजी में। बट सीजीडीए में यहाँ पे आपको एक सीएसटी कार्ड मिलता है, यानी कि कैंटीन कार्ड मिलता है, तो लोग इसको एक प्रिविलेज की तरह देखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मुझे जो एक प्लस पॉइंट लगता है सीजीडीए डिपार्टमेंट का कि आपकी जो जो आपका एक्सेस है ऐसी जगह रहता है जहाँ पे आम लोगों का एक्सेस नहीं रहता है, मतलब जहाँ जहाँ आर्मी है वहाँ वहाँ आपका एक्सेस रहेगा, आपकी सर्विस आर्मी के साथ में रहेगी, एयरफोर्स के साथ में रहेगी, मतलब आप एक डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। और जब आप ऑडिट पे रहेंगे घर आपको आर्मी की गाड़ी ड्रॉप करने आएगी, आर्मी वाले सैल्यूट मारेंगे, मतलब जब आप ऑडिट पे जाएंगे तो मतलब ये अपने आप में एक प्राउड फील करने वाली चीज़ होती है। तो इस चीज़ को मैं एक मान लीजिए आप एक प्रिविलेज के तौर पे आप इस चीज़ को मान सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, 10वां टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं, फॉरेन पोस्टिंग। फ्रेंड्स, आपने नहीं सुना होगा कि दोनों डिपार्टमेंट में फॉरेन पोस्टिंग होती है, बट हाँ फ्रेंड, जब आप ऐसे ऐसे एग्ज़ाम देके कैग में WO बन जाओगे तो कैग कुछ एम्बेसी का ऑडिट करता है जो कि बाहर है, और UN का ऑडिट भी करता है कैग, अगर आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगती है। ये मुश्किल है, यहाँ पे कभी तिकड़म लगानी पड़ती है, बट यहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग होती है, एम्बेसीज की ऑडिट और UN की ऑडिट में फॉरेन पोस्टिंग होती है। दूसरी तरफ अगर हम CGDA की बात करें तो फ्रेंड्स, CGDA डिपार्टमेंट में नेपाल, भूटान और अर्बन कंट्रीज में फॉरेन पोस्टिंग होती है ऑडिटर से लेके AO तक की। बट वही बात है कि क्योंकि वहाँ पे अलाउंसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सैलरी भी डबल ट्रिपल होती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं चापलूस टाइप के जो मतलब पहले ही ये सब करवा लेते हैं, अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोनों ही डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करेंगे ग्रेड पे 2800 पे, तो सैलरी टोटल सेम रहेगी अगर आप एक ही सिटी में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका HRA और जो TPTA है वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी। सबसे लास्ट का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक्स्ट्रा मनी। फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए जिस डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क ज़्यादा है और पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मनी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, तो कैग में एक्स्ट्रा मनी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, CGDA में थोड़ी सी कम मिलेगी कंपैरेटिवली। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मैंने लगभग सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिर भी अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जो छूट गया हो, जिसको मैंने कवर नहीं किया हो इस कंपैरिजन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा गूगल फॉर्म्स की, उस पे क्लिक करके आप अपनी क्वारी डाल सकते हो, मतलब कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, वहाँ पे दो क्वेश्चन है वो आप फिल कर सकते हो, वहाँ से मुझे आपका डाटा मिलता रहेगा, क्योंकि कमेंट्स से वो डाटा पिक करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि आपको अगली वीडियो किस किस टॉपिक पे चाहिए। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर ले, और जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एक सब्सक्राइबर के सजेशन पे, तो अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल देखनी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।